टॉपिक है आज रीजनिंग का, दूसरा टॉपिक क्लॉक यानी कि घड़ी। काफ़ी मुश्किल और सबसे थोड़ा टफ और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है घड़ी पूरा रीजनिंग में। तो हमारे अध्यापक जो पहले टीच करवाते थे उन्हीं की डिमांड पे ये दो टॉपिक शूट करवाए जा रहे हैं। स्पेशली हमारे शिव पारिक सर जो हैं, उन्होंने कहा था कि सर ये दो टॉपिक आप हमें डाल दीजिएगा, एक क्लॉक और कैलेंडर। उन्हीं के कहने पर दूसरा ये आज क्लॉक या घड़ी जो है टॉपिक हम शूट करके इसको डालेंगे। टॉपिक है घड़ी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक है बट बहुत ही ईजी वे में करेंगे। जितना बताया जाए उतना फॉलो करते रहिएगा, आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। देखिए घड़ी जो है हमारी, घड़ी के अंदर मेनली तीन सुइयाँ होती है। एक बिल्कुल छोटी वाली, इसे बोलते हैं घंटे की सुई, एक है घंटे की सुई, एक है मिनट की सुई, दूसरी को हम कहते हैं मिनट की सुई। सेकंड की सुई का कहीं कोई काम नहीं होता, सेकंड हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में चाहिए और वो हमें डायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्मूले से मिल जाते हैं। तो मेनली काम हमारा रहेगा मिनट की सुई का और घंटे की सुई का। इनमें से जो छोटी होती है उसे घंटे की सुई और जो बड़ी है वो मिनट की सुई है, ठीक है। छोटे वाली जो है ये घंटे की सुई और बड़ी वाली मिनट की सुई। अब सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आप, जैसे कि ये एक घड़ी की मैंने अंदर की सुइयाँ जो है इनके चार डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऊपर की तरफ उत्तर डायरेक्शन है, ये पूर्व, दक्षिण और ये है पश्चिम, ये चार दिशाएं हैं। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो ये उत्तर पश्चिम और जो पूर्व है इसके ऊपर उत्तर और दक्षिण परपेंडिकुलर है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, नहीं बना रही? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब मैं इस पूरा सर्कल, ये पूरा का पूरा मैं अगर इस सर्कल को यहाँ तक कंप्लीट करूँ तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री। यानी कि दो लाइनें जब एक दूसरे के अपोजिट होती है, अपोजिट होने के लिए दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, और जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब देखिए मुझे यूँ बता दीजिए आप थोड़ा सा कि इसको सपोज कीजिए आप कि यहाँ पर एक अध्यापक हैं और उनके हाथ में 90 केले हैं, 90 बनानास हैं उनके हाथ में, और उन्हें ये केले तीन अलग अलग कक्षाओं में लेकर जाने हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि किस कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, परंतु कक्षाएं यहाँ पर उनके पास तीन हैं, तो वो क्या करेंगे, एवरेज ये सोचेंगे कि तीन जब कक्षाएं हैं तो मैं तीनों में इक्वल इक्वल बनानास लेकर जाऊँ। तो 90 हैं तो तीनों में जाने कितने कितने लेकर जाएगा वो, 30 30 30। तो यहाँ पर जैसे कि 12 होता है, ये एक, ये दो और ये तीन, यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, तीन क्लासरूम है ये। अब हमें पता है कि ये जो टोटल एंगल है हमारा 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का, और इसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके के, ये तीन पार्ट है हमारे यहाँ पर, इन तीन पार्ट में डिवाइड करना है। तो 90 को तीन में डिवाइड करो कितना कितना हो जाएगा, 30 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर जो दोनों आपको सुइयाँ दिखाई दे रही है इनके बीच में कितने डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, देख लीजिए इस तरीके से, तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर, ये एंगल कितना, और ये नीचे की तरफ भी 30 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 12 से लेकर 1 ये जो टाइम पीरियड है ना, इतना जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरीके से 1 से 2 जो है इसके बीच में कितने डिग्री का कोण, और इसी तरह से 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये मिनट की सुई, जब ये मिनट की सुई यहाँ से चलकर जब एक पर पहुँची तो इसने कितने मिनट कवर किए, 5 मिनट कवर किए। जब 5 मिनट कवर किए तो कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। यानी कि 5 मिनट में, मिनट की सुई के लिए पढ़ रहे हैं पहले कि 5 मिनट में मिनट की सुई जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है इतनी बात। अब देखिए जब इस मिनट की सुई ने 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया तो 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट यहां से लेकर अब यहां तक हो गए टोटल, तो 10 मिनट में हो गए 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, और 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण। यानी कि मिनट की सुई जो है 5 मिनट में बनाती है 30 डिग्री का कोण, 10 मिनट में 60 और 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब 5 मिनट में 30 है, 5 मिनट में 30 है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा,
6 डिग्री का कोण, यानी कि मिनट की सुई जब 1 मिनट चलती है तो उस दौरान वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में और 5 मिनट में 30 डिग्री कोण। आई बात समझ में? ठीक है, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन लाइनर की, बताइए मिनट की सुई जब 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए दोबारा से, ये जो स्पेस है 1 से लेकर 2 चाहे 2 से लेकर 3, ये स्पेस कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का स्पेस है। पर ये 5 मिनट का स्पेस केवल और केवल मिनट की सुई के लिए है। जब मिनट की सुई 4 से 5 तक गई है तो उसने कितने मिनट कवर किए? 5 मिनट ही कवर किए उसने। ठीक है, अब बात करते हैं घंटे की सुई की। ठीक है, घंटे की सुई का मामला किस तरह से होता है? अब ये थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कि मिनट की सुई किस तरह से 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आया समझ में? ठीक है जी। अब देखिए, अब ये जो स्पेस है ये कोण कितना है यहां पर? 30 डिग्री का कोण है। हर स्पेस के अंदर 30-30 डिग्री के कोण ही बनेंगे, 30-30 डिग्री के कोण बनेंगे। बट ये मिनट वाली सुई के लिए तो 5 मिनट है, इसलिए मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। पर जब मैं बात करूंगा घंटे वाली सुई के लिए, तो घंटे वाली सुई के लिए ये कितने मिनट है? घंटे वाली सुई के लिए एक स्पेस के अंदर टोटल ये 60 मिनट है। कितने मिनट है? 60 मिनट है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए आप, अब इस टाइम है यहाँ पर 2 बजे हुए हैं। अगर मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करती है तो अब मुझे बताइए मिनट की सुई कितने मिनट पर पहुँच गई? 30 मिनट पे। जब ये 30 पर पहुँची है तो घंटे की सुई जो है बिल्कुल 2 और 3 के बीच में हो जाएगी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, और जैसे ही मिनट की सुई आगे चलती चलती वापस 12 पे पहुँची तो घंटे की सुई अब 2 से कहाँ पहुँच गई? 3 पर पहुँच गई। यानी कि इस दौरान जो घंटे की सुई ने 60 मिनट कवर किए हैं, तो मिनट की सुई ने जो 60 मिनट कवर किए हैं, ये घंटे की सुई ने 60 मिनट इतनी सी दूरी में कवर कर लिए है कि नहीं? यानी कि मिनट वाली सुई के लिए तो ये 5 मिनट थे, पर घंटे वाली सुई के लिए कितने मिनट है? ये 60 मिनट है। ठीक है, बट कोण ये रहेगा कितना डिग्री? 30 डिग्री का। तो अब देखिए आप कि 60 मिनट में जो घंटे की सुई है उसने कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। अगर मैं बात करूं 30 मिनट में तो डिग्री का कोण रहेगा? हमेशा घंटे की सुई में मिनट और एंगल हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। जैसे कि अगर मिनट 60 है तो कोण है 30। ठीक है, मिनट अगर मैं करूं यहाँ पर 15 मिनट है तो कोण कितना हो गया? अब 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर मिनट है 10 तो कितने डिग्री का कोण? 5 डिग्री का। अगर मिनट है 2 तो 1 डिग्री का कोण, और अगर मिनट है 1/2 यानी कि हाफ कोण। ठीक है, नहीं आया समझ में? हाँ भाई बताइए अगर नहीं आया तो। पक्का? जैसे इसको आप नॉर्मल जैसे हम जिस तरीके से करते हैं ना वैसे भी कर सकते हो कि देखो 60 मिनट में कोण बना 30 डिग्री, 1 मिनट में बनेगा 30/60, ऐसे ही करते थे ना। 60 मिनट में कोण बना 30 डिग्री, 1 में बनेगा 30/60, इसको काट दीजिए 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट में ये याद रखना है कि जब मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और जब घंटे की सुई 1 मिनट चलती है तो आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी हाफ डिग्री का कोण बनाती है। आई बात समझ में? अब ये रामलीला सिर्फ आपको इतना सा समझाने के लिए ही था कि जब घंटे की सुई चलती है तो 1 मिनट में 1/2 यानी कि हाफ डिग्री का कोण क्रिएट करती है, और जब मिनट की सुई चलती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे, ये बेसिक है बिल्कुल, इस बेसिक तरीके से हम हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं घड़ी का। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक को भी लेकर साथ चलेंगे। बाकी इस तरीके से आपके हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब जो पहला ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो सबसे हरियाणा में शायद मेरे ख्याल से कॉमनली काफ़ी बार पूछा भी गया है, लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को कि राधा अपने घर से 8 बजने से 15 मिनट पहले
8 बजने से 15 मिनट पहले निकलती है, 8 बजने से 15 मिनट पहले मंदिर के लिए निकलती है, पहले मंदिर के लिए निकलती है, 5 मिनट में मंदिर पहुंचती है, 5 मिनट में मंदिर पहुंचती है, 5 मिनट में मंदिर पहुंचती है, 10 मिनट में पूजा करती है, 10 मिनट में पूजा करती है, पूजा हो चुकी है संपन्यापरा। पूजा के बाद क्या है कि बाहर आकर 10 मिनट अपनी फ्रेंड का इंतजार करती है, अपनी फ्रेंड का इंतजार करती है, 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और 10 मिनट के बाद जैसे ही वो पहुंचती है यहाँ पर, तो 10 मिनट अपनी फ्रेंड का इंतजार करती है, उसके बाद 5 मिनट तक दोनों गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाते हुए गप्पे भी मार रहे हैं साथ साथ, तो 5 मिनट गोलगप्पे खाते हैं। तो अब आपको बताना है, बताना क्या, इसके साथ एक चीज़ और ऐड कीजिए जो ज़्यादातर पूछी जाती है, 5 मिनट गोलगप्पे खाते हैं और इसके बाद 20 मिनट का रास्ता तय करके घर पहुंचते हैं, 20 मिनट का रास्ता तय करके घर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि मुझे बता दीजिए कि मंदिर से किस समय निकलती है, कि जब वो गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं तो मंदिर से किस समय निकलते हैं, बिल्कुल घर के लिए, मंदिर से किस समय निकलते हैं। अब देखिए टाइम जो है ना हमेशा आगे की तरफ ही चलता है, टाइम पीछे रिवर्स तो होता नहीं, टाइम हमेशा आगे की तरफ चलेगा, और जब आगे की तरफ चलेगा तो उन चीज़ों को हम ऐड करते चलेंगे। शुरुआत करनी है 8 बजने से 15 मिनट पहले, तो टाइम क्या हो गया आपका 7:45, 5 मिनट में मंदिर पहुंची तो टाइम हो गया 7:50, उसके बाद 10 मिनट में पूजा की 7:60, अर्थात 8 बज चुके हैं, ठीक है 8 बज चुके हैं। उसके बाद 10 मिनट अपनी फ्रेंड का इंतजार किया तो 8:10 हो चुके हैं, फिर 5 मिनट गोलगप्पे खाए तो 8:15। अब यहाँ से वो घर के लिए रवाना होती है और 20 मिनट का रास्ता तय करके यानी कि 8:35 पे घर पहुँचती है वो, 8:35 पे घर पहुँचती है। पर उसने पूछा है कि मंदिर से किस टाइम निकलते हैं, 8:15 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर वो पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि घर किस टाइम पहुँचे तो 8:35 है, कर लोगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बढ़ाओ, घर आकर उसने क्या किया, घर आकर उसने इस टाइम को, घर आकर उसने इस टाइम को दर्पण में देखा, दर्पण में देखा तो यह कितना बजा हुआ दिखाई दिया, यानी कि वो उसका मिरर इमेज जानना चाहता है कि 8:35 जो थे अगर वो उसे शीशे में देखेगा तो कितना बजा हुआ दिखाई देगा। देख लीजिए करना कैसे आपको, बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ज़्यादा इतना कोई इश्यू नहीं है बड़ा इसमें। कोई भी टाइम अगर आपको वो कहे कि आपको दर्पण में देखकर बताना है तो उस वैल्यू को आप 1160 से माइनस कर दीजिए, उस वैल्यू को 1160 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 1160 से 8:35 घटाऊँ तो कितना होगा, 5 यहाँ पे बचा, 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 3:25 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है 3:25। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फटाफट मुझे करके बता दीजिए आप। जैसे क्वेश्चन है 9:45, सब दर्पण में बताना है आपको, 7:26, 16:40, 19:20 बताइए। बस वही तरीका, 1160 से घटाना शुरू कर दो, कितना आ गया ये, 2:15, ठीक है। यहाँ पे फिर कर दीजिए इसे 4:34। अब ये कैसे होगा, देखो 16:40 है, 16:
40 मिनट है, या तो आप इसे जैसे ही 12 से बड़ा नंबर आ जाए, 12 से बड़ा नंबर आए तो इसे या तो आप 23-60 से माइनस करो, या तो आप इसे 2360 से घटाइए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते तो इस 16 को आप 12 से नीचे के नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। 16 बजना यानी कितना बजना, 4 बजना। 16 बजना यानी कितना बजना, 4 बजना। तो यहाँ पर आप 4 लिखकर इसे 1160 से घटा दो, ठीक है, कितना हो गया ये 20 7 20 हो गया। आंसर सेम आएगा, कोई चक्कर नहीं आपका। 19 20 है तो 19 कितना बजता है, 7 20 कर दो और 1160 से घटा दीजिए, 40 4 4 बजकर 40 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हो, ठीक है। ये उसने दर्पण में देखा, अगर यही टाइम वो जल में देखना चाहे तो क्या होगा, ये तो क्या उसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। अगर वो वाटर में देखना चाहे तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर आपको दिया गया टाइम, यदि आपको दिया गया टाइम 1 बजे से लेकर 5:30 के बीच में है, 1 बजे से लेकर 5:30 के बीच में है, तो आप उस वैल्यू को 5.90 में से माइनस करोगे, 5.90 से घटाओगे। और अगर दिया गया टाइम 5:30 से 1 बजे के बीच है तो आप इसे 17.90 से माइनस करोगे, ठीक है। जैसे हाँ हाँ ये रहा लिखाओ, 1 से 5:30 के बीच में 5.90 और 5:30 से 1 के बीच में 17.90। जैसे देखो मैं करके बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको टाइम दे रखा है 9:40 है तो 9:40 यानी देखो कहाँ हो रहा है, 9:40 ये 9:40 तो 9 बजकर है तो इस बड़े वाले नंबर में आ रहा है, तो आप इसे 17 माइनस कर दो, 17.90 से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया ये 50 और इस तरफ 8:50 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर हो गया क्वेश्चन आपके पास 2:15 तो इस तरफ का ये 2:15 तो आप इसे 5.90 से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 75 यानी कि 3.75। 3.75 का मतलब कितना, 4:15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। वैसे इतना वाटर नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर मिरर ज़्यादातर पूछा जाता है, वाटर बहुत रेयर पूछेगा वो आपसे, ठीक है। चलो अब सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको कोई भी एक टाइम देगा और उस टाइम के बीच का एंगल पूछ लेगा आपसे, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहता है। जैसे कि क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए, 2:40 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। 2:40 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इंक होगी इनमें दे दो फिर, चल ही नहीं रहे थे, ठीक है ये ठीक चल रहा है। अब 2:40 है तो पहले देखो बिल्कुल बेसिक तरीका जो आपने शुरुआत में किया था, 1 मिनट में इतने डिग्री का कोण, 1 मिनट में इतना, उस तरीके से किस तरह से होगा। 2:40 है पहले तो आप इसे 2:40 पे फिक्स करो, ध्यान से देखना, 40 मिनट का मतलब मिनट की सुई एग्जैक्ट 8 पे और घंटे की सुई 2:40 यानी कि ये जो टाइम पीरियड है घंटे वाली सुई के लिए 60 मिनट का है, 60 मिनट है तो पीछे कितना मिनट चल के आई है ये 40, अभी कितना और चलेगी इस 3 तक आने के लिए, 20 और चलेगी ना। देखो जब मिनट की सुई 40 मिनट चली है तो इसका मतलब घंटे वाली भी तो 40 ही चली है, यानी कि ये पहुंच गई बिल्कुल 40 पे, ये 40 हो गया और बाकी कितना और बच गया 20। अब आपको एंगल बताना है, ये सारा का सारा ये एंगल बताना है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 2:40 है, 2:40 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण, और कोण आपको बताना होता है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ये आपको एंगल बताना है कितना। अब देखो कितना आसान और आपके लिए, यहाँ से लेकर ये स्पेस कितना होता है 30, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, कितने हो गए 3, 6, 9, 12, 15 यानी कि 150 डिग्री एंगल तो सीधा ही हो गया। अब हमारे पास रह गया सिर्फ इतना सा स्पेस और बाकी ये वाला,
ये कितने मिनट है? 20। अब मिनट जब 20 है और ये मिनट जब 20 है तो किसको चलना है, घंटे वाली सुई को या मिनट वाली सुई को? घंटे वाली सुई को। तो घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 10 डिग्री का कोण। तो 10 डिग्री का और कोण बनेगा, तो एंगल कितना हो गया आपका टोटल? 160 डिग्री का कोण हो गया। बिल्कुल ठीक है, कितने डिग्री का कोण हो गया? 160 डिग्री का कोण बन गया, ये बता दोगे। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, क्या है ट्रिक? क्या है कि घंटे व मिनट की सुई के, घंटे व मिनट की सुई के सामने लिखे अंकों का अंतर, सामने लिखे अंकों का अंतर गुना में आपको 30 तो करना ही करना है, गुना में 30 डिग्री तो आपको करना ही करना है। इसके बाद यहाँ पर या तो निशान लगेगा प्लस का या लगेगा माइनस का, और जितनी भी मिनट है उस मिनट का कर दो प्यारे विद्यार्थियों आधा। अभी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बाकी बहुत इजी सी ट्रिक है ये, एक दो बार करते इतना आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे करना है, अब इसके लिए ट्रिक जब भी इस्तेमाल करोगे ना, तो जैसा आपको टाइम दिया हो वैसे के वैसे सुइयों को एडजस्ट कर लीजिए, यानी कि आपको कहीं बीच में नहीं करना, कहीं भी दो पर है तो दो पर कर दो एग्जैक्ट, 2:40 यानी कि घंटे वाली सुई को कर दो दो पर, और मिनट वाली 40 यानी कि 8 पर कर दो, कर दोगे बिल्कुल। अब इन दोनों सुइयों के सामने लिखे अंकों का अंतर, तो इसके सामने 8 है और इसके सामने 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 8 - 2 6 गुणा में 30 तो आपको करना ही करना है, 30 तो आपको करना ही करना है। अब यहां पर समस्या पैदा ये हुई है कि प्लस करूं या माइनस करूं, इसके लिए ध्यान देना है, यदि आपकी घंटे की सुई आगे है, यदि घंटे की सुई आगे है तो प्लस, घंटे की सुई पीछे है तो माइनस, घंटे की सुई आगे तो प्लस, पीछे तो माइनस। इसमें बताओ घंटे की सुई आगे है पीछे है, ये देख लीजिए, यानी कि मिनट की सुई आगे है घंटे की भी पीछे है, तो पीछे तो क्या कर दूं मैं? माइनस। माइनस करना कितना है? मिनट का आधा, और मिनट है 8:40, तो 40 का आधा 20 कर दो इसको, 6 × 3 = 18 = 180 - 20 एंगल हो गया आपका 160 डिग्री का। आया समझ में? नहीं आया पक्का? ठीक है, एक और क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही, दोनों तरीकों से करके देखेंगे इस बार भी। क्वेश्चन जैसे कि आपको दे रखा है 4:50, 4:50 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कर दीजिए। अगर आप ट्रिक से कर रहे हो तो घंटे वाली सुई 4 पे कर दो, मिनट वाली सुई 10 पे कर दो, दोनों के सामने लिखे अंकों का अंतर 10 - 4 6 गुणा में 30 तो करना ही करना है, प्लस करूं या माइनस, यानी कि देखो 4:50 है तो मिनट की सुई आगे, इसका मतलब घंटे के पीछे, जब घंटे के पीछे तो माइनस, मिनट का आधा 50 का आधा 25 कर दीजिए, 6 × 3 = 18 = 180 - 25 135 कितना हो गया ये? 155। अरे अरे ओके ओके ओके, माफ़ी चाहूँगा, बस माफ़ करो, 155 डिग्री का, ठीक है, धन्यवाद, मेहरबानी, 155 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको अगर बेसिक तरीके से चाहो तो बेसिक से कर लो। बेसिक क्या था? 4:50 कर दो, 4:50 होगा तो ये देखो यहाँ पर होगी ना, तो कितने मिनट और चलना बाकी है? 10 मिनट और चलना बाकी है, तो यहाँ पर 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5। ये कितने का? 60, 90, 120, 150 और 5 155 आपका राइट आंसर है। हाँ जी, आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो शायद आपको बहुत कम मिलता है, करवाता ही नहीं कोई इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, टाइम दे दिया आपको जैसे कि 3:42 है, 3:42 है। अब इसे आप बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बेसिक तरीके से होंगे ये क्वेश्चन।
बेसिक तरीके से करोगे तो अच्छा हो जाएगा, अगर फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं, 3:42 है, ठीक है, तो 3:42 करो, ये कितने हो गए 40, ये हो गया मान लो ये घंटे की सुई है 3:42, 3:42 ये मैंने 40 पे कर दिया एक बार इसको 3:40, अब ये यहाँ तक हो गया 40, अब 40 के ऊपर कितने मिनट और चलना है, दो मिनट और चलना है, पर ये 2 मिनट चलेगा कौन, घंटे की सुई या मिनट की सुई, मिनट की सुई चलेगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये पीछे का तरफ कवर हो चुका है 42, आगे कितना और बाकी है 18 बाकी है, कितना बाकी है 18 बाकी है, आ रहा है समझ में, ठीक है। दोबारा देख लीजिए 3:42 है, मैं इसको 3:40 पे कर रहा हूँ हमारे पुराने वाले तरीके से, ठीक है, पुराने वाले से तरीके से करूँगा, तो यहाँ तक 40 हो गया, उसके ऊपर 2 मिनट और चलना है अभी बाकी है, और यहाँ पर ये जो मिनट है ये है हमारी 18, ये चलना है घंटे वाली सुई को, अब ये कोण कितना, ये कोण कितना, ये कोण कितना, और ये कोण कितना 30, ऐड करके देख लीजिए क्या बन रहा है, 3, 6, 9, 3, 4, 12 कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक हो गया 120, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा हो गया कवर आपका 120 डिग्री। अब ये जो 18 मिनट है, इन 18 मिनटों के अंदर घंटे की सुई कितने मिनट चलेगी, 9, कितना चलेगी 9 मिनट, तो 9 ऐड कर दो। अब ये 2 मिनट किसको चलना है, घंटे वाली या मिनट वाली को, मिनट वाली को, और मिनट वाली 2 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है 12 को, तो 12 और ऐड कर दो इसमें, तो ये एंगल हो गया आपका 120, 30, 32, 141 डिग्री का कोण बनेगा ये, आंसर इस तरह से नहीं हो रहा, बस ठीक है, तो फॉर्मूले से आपको वही करना पड़ेगा, 3:40 का निकालो पहले, 3:40 का निकालो और फिर 2 मिनट का जो भी होगा उसको ऐड कर दो, करके देखो 3:40 जब भी हम करेंगे, जब भी 3:42 का टाइम दे रखा है आपको, तो 3:40 का निकालोगे आप, 3:40 का निकालने के बाद जो भी 2 मिनट एक्स्ट्रा है उसके 12 मिनट आपको ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर, करके देखिए आप एक बार फॉर्मूले से, अच्छा मुझे, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मुझे करके बताओ एक बार आप, अगर आपको दिया हो मिनट और घंटे की सुई एक ही जगह पर हो, 3:15 है, कोई ना कर लेंगे एक बार, ये आगे करके देखो आप, मुझे ये बताओ, एक 3:15 करके बताओ, 6:30 करके बताओ, 8:40 करके बताओ, 8:40, ये 3 टाइम निकाल के बताइए, और फिर आप बताओ 4 बजे कितना होगा, 8 बजे कितना होगा, 11 बजे कितना होगा,
देखो कैसे करना है। कोई भी ऐसा टाइम आपको दिया हो कि घंटे और मिनट की सुई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, जैसे कि ये 3:15 पे, तो घंटे की सुई भी 3 पे होगी और मिनट की सुई भी 6:30 पे। क्या होगा, घंटे की सुई भी और मिनट की सुई भी, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा आपको देखना है यहाँ पर। वैसे तो एग्जैक्ट तो ये यहाँ पर होगी, घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। अगर फॉर्मूले से हम कर रहे हैं तो 6:30, 3:15, यानी कि दोनों जब भी एक दूसरे के ऊपर का कोई नंबर आ रहा हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल जो मिनट दे रखी है उसका हाफ कर दीजिए। बस इतना सही करना है, ठीक है। जब आपके दोनों के दोनों नंबर, दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर आ रही हो तो क्या करना है आपको, केवल मिनट का हाफ करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि 4 बजे की बात चल रही है तो घंटे की सुई तो 4 पे होगी और मिनट की सुई होगी एग्जैक्ट 12 के ऊपर, तो आपको ये एंगल बताना है। तो देखो 4 बार 30 का स्पेस आ रहा है, तो 4 × 30 कर दो, कितना हो गया 120। जब 8 तक आएगा तो ये लीजिए 8 कर दीजिए, 8 × 3 = 24, 240 का। जब 11 पे होगा तो 11 × 3 = 330 डिग्री का कोण हो जाएगा। नहीं आया समझ, इस तरीके से करना है आपको, कर लोगे पक्का, ठीक है। अब एक चीज़ आपको थोड़ा मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए आप। घंटे व मिनट की सुई प्रत्येक घंटे में एक बार समान दिशा में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, प्रत्येक घंटे में एक बार समान दिशा में होती है और 12 घंटों में 11 बार समान दिशा में होती है और 24 घंटों में 22 बार समान दिशा में होती है। ठीक है, अब देखो जब 12 घंटों में 11 बार होती है तो ऐसा कौन सा घंटा छूट गया जहां पर वो सेम डायरेक्शन में नहीं होती। छोटा कुछ भी नहीं होता, होता क्या है कि जब 11 से 1 का ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इन 2 घंटों के अंदर घंटे व मिनट की सुई केवल एक ही बार समान दिशा में आती है, केवल एक ही दिशा में। यानी कि 11 से लेकर जब 1 बजे वाला ये जो टाइम है, इस टाइम में घंटे हमारे पास हो रहे हैं 2, 1 और 1 2, 2 घंटे हो रहे हैं, पर समान दिशा में होती है केवल एक बार, और वो कितने बजे, एग्जैक्ट 12 बजे दोनों सुइयां बिल्कुल समान दिशा में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इस तरह का, समान डायरेक्शन पूछने का। समान डायरेक्शन का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि मान लीजिए इस टाइम घड़ी में 2 बजे हुए, ठीक है, इस टाइम घड़ी में कितने बजे हुए, 2। जैसे जैसे घंटे की सुई आगे चलेगी, मिनट की सुई आगे चलेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ यूं नीचे की तरफ बढ़ेगी और मिनट की सुई नीचे की तरफ चलती चलती एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर होगी। इसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन या समान दिशा में होना। इसी को क्या बोलते हैं, समान दिशा में या सेम डायरेक्शन में होना। अब क्वेश्चन आ गया जैसे कि आपके पास कि 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समान दिशा में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, समान दिशा में पूछ लिया, ठीक है। अब इसको करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बस याद रखने है, क्योंकि घड़ी टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखने है। किताबों में बहुत ही टिपिकल से फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं आपको बहुत आसान आसान से तरीके बता रहा हूँ। जैसे 2 से 3 बजे के लिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मिनट की सुई द्वारा
तय की गई दूरी। अब आपको लिखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, जब आप करोगे तो बहुत आसान है। गुना में आपको करना है 12/11। ये घंटे और मिनट की सुई का रेशियो है 12/11। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इतना सा, अभी याद हो जाएगा आपको। देखो कैसे, इसने टाइम बताया 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां समान दिशा में होगी। अब मुझे बताओ, आपको 2 से 3 करना है तो शुरू तो दोनों सुइयां यहीं से करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 से 3 है तो 2 बजे से शुरू करना पड़ेगा। अब जब 2 बजे करेंगे तो घंटे की सुई 2 पर होगी, मिनट की सुई 12 पर होगी, 2 बज गए। अब हम इनको चलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये नीचे आएगी और धीरे धीरे ये नीचे आएगी। अब मिनट की सुई तेज गति से दौड़ती है, क्योंकि ये 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है और ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बनाती है, तो ये इसको कवर कर लेगी जल्दी। ठीक है, अब कवर कर लेगी तो आपको करना क्या है, जो भी आपको टाइम दिया हुआ यानी कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच जो पहला नंबर आपको बताया जाता है, दो तक आने के लिए मिनट की सुई कितने मिनट चली? 10। 2 तक आने के लिए मिनट की सुई चली 5 और 5 है 10। अब कुछ नहीं करना, 10 आपकी मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी होगी, गुणा में कर दीजिए 12/11, 120/11, यानी कि ये हो गया आपका 11 एकम 11, अच्छा 11 था 110, 10 से ही 10/11 हो गए। ठीक है, 10 से ही 10/11। अब ये आपके पास आया है 10, इसके अंदर है मिनट और 10/11 है इसके अंदर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइम को हम बताएंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच में बताना था तो जो भी टाइम होगा वो 2 बजकर समथिंग होगा ना, तो 2 बजकर 10 मिनट और 10/11 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? अब क्वेश्चन हो गया, देखो अब कितना मुश्किल दे दे, 3 से 4 बताओ, 3 से 4 बस टूट पड़ो। ठीक है, अब क्या करना है, 3 यानी कि पहला नंबर क्या है, 3, तो 3 के लिए चलने के लिए कितना चलने पड़ेगा, 15, तो 15 गुणा में 12/11, 15 × 30 8 180/11। अब इसको सॉल्व करके लिखना कैसे होता है ये भी देख लीजिए, जैसे कि 180 है, इसको यूँ लिखना होता है 11 एकम 11 7, 11 6 66/4। अब ये नंबर आगे आ जाएगा, ये नीचे हमेशा और ये बिल्कुल पीछे की तरफ, इस तरीके से, तो हो जाएगा 16 मिनट और 4/11 सेकंड। 11 हमेशा बटा में ही रहेगा, कितने बजकर है, 3 बजकर, कितने बजकर है, 3 बजकर 16 से 4/11 आपका आंसर आ गया। आया समझ में? Yes. पक्का कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? ये हो गया सेम डायरेक्शन का, जब एक ही दिशा में होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11, 12 और 1 के बीच में केवल एक ही टाइम होता है, तो अगर आपसे पूछ ले कि 11 से 12 के बीच बताओ, करके देख लीजिए आप इसे, 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां कब समान दिशा में होगी, तो लगा लीजिए फॉर्मूला। तो यानी कि मिनट की सुई को 11 तक आने के लिए कितने मिनट चलना पड़ा, कितने मिनट है, 55 गुणा में 12/11। ठीक है, करो 12 × 5 = 60 की 0, 12 × 5 = 60 और 6 = 66/11, काट दो इसको, कितना हो गया ये 60। अब जो बटा में आता था वो तो हमारी सेकंड होती थी, और उससे पहले जो आता था वो क्या था, मिनट था, और कितने बजकर ये मिनट है, 11 बजकर 60 मिनट, और 11 बजकर 60 मिनट क्या होता है मेरे लाल और लालियों, बता दो, एग्जैक्ट 12 हो गया ये। ठीक है, एग्जैक्ट क्या हो गया, 12 हो गया। अगर 12 और 1 के बीच पूछेगा तो भी इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, 12 और 1 के बीच में कैसे करके देख लीजिए आप इसे भी, 12 और 1 के बीच में देखो, 12 को जब भी हम मिनट के रूप में काउंट करते हैं हमेशा इसको 0 मान के चलना है, इसको हमेशा 0 मान के चलना है, क्योंकि अब यही बता दो मुझे, अब ये जब 11 पर थी और ये 12 पर थी तो 11 बजकर कितने मिनट हो गए, एग्जैक्ट 11 बजे हो तो 11 बजकर 0 मिनट है ना, तो 12 को हमेशा 0 की फॉर्म में लेना होता है आपको, तो ये 0 हो गया। अब इसने टाइम पूछा है 12 से लेकर 1 बजे के बीच में, तो दोनों की दोनों सुइयां कहाँ रहेगी, इसके ऊपर। ठीक है, तो मिनट की सुई कितने मिनट चली, 0 गुणा में 12/11,
सारा क्या हो गया जीरो, यानी कि जीरो गुणा में 12 बटे 11 ये सारा हो गया जीरो। अब कितना बजकर जीरो, 12 बजकर जीरो, तो ये तो आंसर है हमारा कि 12 बजे एग्जैक्ट किया, दोनों की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होती है। कर लोगे? ठीक है। अब लिखो विपरीत दिशा का क्वेश्चन आता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट किस टाइम होती है, ठीक है। और आज की क्लास का ये लास्ट ही क्वेश्चन है, बस अपोजिट किस टाइम होती है। जैसे क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच में कब विपरीत दिशा में होती है। अब शुरुआत में जो आपको करवाया था वो मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भी दो लाइनों को एक दूसरे के अपोजिट करना हो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना दोगे, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अब अगर आपको याद है तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता था, 90 डिग्री का, और 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180। अब देखो जब भी आपको अपोजिट का कहा जाए तो दोनों सुइयों के बीच में, अपोजिट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर एक सुई इस तरफ है ना तो दूसरी को कुछ भी करके उसके बिल्कुल अपोजिट ले आओ, एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनवा दो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक 180 का बन जाएगा, क्योंकि सर्कल का एंगल हमारा 360 होता है। एक तरफ 180 बनवा दीजिए दूसरी तरफ अपने आप 180 का हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में? ठीक है। तो मुझे बताओ जब दोनों सुइयों को एक दूसरे के अपोजिट करना है तो या तो उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनाऊं मैं, या उनके बीच में कितने मिनट की दूरी डाल दूं मैं, 30 मिनट की। दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही है, या तो दोनों के बीच में 30 मिनट का स्पेस कर दूं मैं, या दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बना दूं मैं। ठीक है। अब करना कैसे है देखो, बट अपोजिट तब होगा ना जब वो पहले मिलेगी आपस के अंदर। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, अब देख लीजिए, अब ये सुई मान लो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, अब इसको इसके अपोजिट कर दो तो अपोजिट तो नहीं हुई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों सुइयों को एक जगह मिलाना पड़ेगा। ठीक है। एक जगह मिला दो और मिलाने के बाद एक को बिल्कुल अपोजिट कर दो, अपने आप दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। मिलाने का मतलब कि सबसे पहले आपको दोनों सुइयों को समान दिशा में करना पड़ेगा, सबसे पहले समान दिशा में। अब समान दिशा के लिए अभी हमने किया था, क्या था, 2 से 3 के बीच में अगर मैं पहले समान दिशा में करूं तो 10 गुणा में, अब ये वो टाइम होगा जब दोनों की दोनों सुइयां समान दिशा में होगी, पर समान दिशा के बाद में मुझे क्या करना है, अब की बार अपोजिट करना है, और अपोजिट के लिए दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण, कितने मिनट की दूरी, तो 30 मिनट की दूरी, और इसमें ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 40 गुणा में 12 बटे 11, और यही आपका आंसर बनेगा इससे, जो भी होगा 12 चौका 48, 480 बटे में 11। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये आंसर होगा। आया समझ में? नहीं आया? अपोजिट करना होगा तो आपको 30 मिनट ऐड करनी होगी। ठीक है। अब इसी में एक और देख लो, अगर आपको ये टाइम दे दिया 3 से 4 बजे के बीच में, बताओ विपरीत कब होगी, तो पहले तो सेम समान दिशा में लेके आओ, तो समान दिशा में करने के लिए कितना, 15 गुणा में 12 बटे 11। अब अपोजिट करना है तो कितने मिनट की दूरी, और क्योंकि ये सारा हम मिनट लिख रहे हैं ना यहाँ पर, 15 भी मिनट लिखा है, 12 बटे 11 भी, ये घड़ियों का रेशो मिनट और घंटे की सुई का रेशो है, तो इसमें यहाँ पर मिनट लिखेंगे हम, एंगल नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो कितने मिनट और 45 × 12/11। ठीक है। इससे जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कर लोगे? अब यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। ठीक है। हल्का सा ट्विस्ट क्या है उसे हम कल चर्चा करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये लागू तो होता है सबके ऊपर, ये लागू होता है सबके ऊपर। अब इसमें क्या था देखो, अगर आपको 3 से 4 के बीच बताना होता है तो 3 से 4 के बीच में क्या करना होता है कि इस सुई को पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर ले आओ और फिर इसको अपोजिट करवा दो तो अपोजिट हो जाती थी। ठीक है। अगर आपको ये टाइम दिया हो 6 के इस तरफ, जैसे कि अगर आपको 7 से 8 के बीच बताना हो, ठीक है, 7 से 8 के बीच बताना हो, तो अब देखो जैसे ये मिनट की सुई, पहले में तो हम यूँ करते थे कि यहाँ से उसको पहले मिलाओ, मिलाने के बाद अपोजिट करवाओ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ से चली 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 होगी अपोजिट, तो अब तो मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना यहाँ तक, अब तो मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए चलो कर ही लेते हैं एक लास्ट है बस। देखो अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, पहले मैं फॉर्मूले से करवा रहा हूँ आपको कैसे करना है। टाइम जैसे आपको दे दिया
सात से आठ बजे के बीच में बताइए दोनों सुइयां कब अपोजिट होगी। तो पिछला तरीका लगाओ पहले, तो पिछले तरीके में क्या था, पहले इसको यहां तक सेम दिशा में लेके आओ, सेम दिशा में लेके आओ तो कितना चलना पड़ेगा, 35 गुना 12 बटे 11। अब इसमें मैं कितने मिनट और ऐड करूं, 30। अब देखो मेरे पास यहां पर इस तरफ कितनी मिनट बाकी बची है, यहां पर कितनी है इस तरफ 25 है, जब 30 मिनट चलाऊंगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा इस तरफ चलेगी ना, तो यानी कि इसमें मैं 30 ऐड करके देखता हूं एक बार, ये हो गया 65 गुणा में 12 बटे 11। इसको सॉल्व करके देखिए, 12 × 5 = 60 की 0 हासिल लगी 6, 12 × 6 = 72 और 780 बटे में 11, ठीक है। अब ये हो गया आपका 11 × 7 = 77, 1 बचा कितना हो गया, ये 70 × 10 = 11 हो गया क्या ये, ठीक है, 70 × 10 = 11 हो गया। अब ये देखो क्या आ रहा है, 7:70 और 10/11 सेकंड ऐसा ही आ रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, 7:70 होगी तो 70 मिनट का मतलब 8 से तो ऊपर चला गया, वो 8 से ऊपर चला गया, तो 8 से ऊपर चला गया तो ये तो टाइम हो गया 8 से 9 के बीच में, और हमें बताना था 7 से 8 के बीच में। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इस 70 में से सीधा यहाँ से 60 मिनट माइनस कर दो, 60 मिनट क्या कर दो, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, जैसे कि ये 65 आ रहा है ना टोटल आपका, इस 65 में से यहीं आप 60 मिनट कैंसिल कर दो। क्यों 60 मिनट कैंसिल करना है आपको, क्योंकि देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक चली थी तो हमें तो केवल इतना सा ही भाग चाहिए, पर इसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ चलना और यहाँ से लेकर ये वापस आना, ये सर्कल इसका फालतू में कवर हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल इसके बाद की ये 5 मिनट ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इस 1 घंटे को पूरा निकाल दीजिए, यहाँ पर बचेगा आपका 5 × 12/11। अब इससे आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 60/11, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 55 × 5 = 5/11, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। या आपको मैं एक और तरीका बताऊँ इसको करने का और समझने का, देखो इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 7 से 8 बजे के बीच में बताना है ना आपको, 7 से 8 बजे के बीच में बताना है, ठीक है। अब 7 से 8 का मतलब कि दोनों सुइयां मुझे तो ऐसी करनी है, इस तरफ भी कितना कोण और इस तरफ भी कितना कोण, अब आप किसी भी तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, ये कोण कितना हो रहा है, इस तरफ 3, 6, 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15, ये हो रहा है 150 डिग्री का कोण। यानी कि मैं अगर इस मिनट की सुई को कितना मिनट और चला दूं, 5 मिनट, यानी कि अगर मैं 30 डिग्री और बढ़ा दूं ना इस तरफ, तो ये कोण हो गया टोटल 180, और जैसे ही 180 हुआ एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब इस 30 मिनट को चलाने के लिए मुझे कितने मिनट चलना पड़ेगा, 5, तो कुछ नहीं करना, बस 5 × 12/11 आपका इसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन और देखो, इससे फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 8 से 9 बजे के बीच में बताना है आपको, ठीक है, 8 से 9, देखो 8 से 9 है तो ये घंटे की सुई रहेगी 8 पे। अब ये इसके बीच में यहाँ पर कितने मिनट का स्पेस है, 30, कितने मिनट का है, और कोण कितना है, 3, 6, 9, 3 × 12, 120 है, और अपोजिट करना होता है 180 पे, तो कितने डिग्री कोण कम है, 60 डिग्री। अगर आपको 60 कवर करवाना पड़े तो 60 के लिए कितने मिनट चलाना पड़ेगा, 10, तो 10 × 12/11 आपका आंसर आ जाएगा। पिछला तरीका करो, वैसे भी कर लो, पहले इसको सेम डायरेक्शन में मिलाओ, तो मिलाने के लिए 40 × 12/11, और फिर अपोजिट करने के लिए 30 मिनट चलाना पड़ेगा, तो 30 और ऐड कर दो, ये हो गया 70 × 12/11, इस 70 में से 60 मिनट पूरी निकाल दो, तो बचा 10 × 12/11, आंसर आएगा आपका बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा पक्का, चलो ठीक है, आज इतना कुछ करना है, कल जो बाकी बचा हुआ घड़ी का जो भी पोर्शन है कल हम उसको पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कल उसे लेकर आ सकते हो, ठीक है, थैंक यू।